नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी, अभी पता चला है कि उन्हें डेंगू हुआ है। आज खुद ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सूचना दी है कि कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और आज जांच करवाने पे पता लगा कि उन्हें डेंगू हुआ है। तो डेंगू से वे पीड़ित हैं और कहीं न कहीं अगर डेंगू का समय पर इलाज नहीं होता है तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। अरविंद सिंह भाटी लगातार पिछले कुछ दिनों से, जब वो चुनाव जीते हैं उसके बाद से लगातार उनका स्वागत हो रहा है, जगह जगह पर वो जा रहे हैं। अभी 2 से 3 दिन पहले ही पाली में भी एक कार्यक्रम था जिसमें वो पहुंचे थे, एक स्वागत समारोह था जिसमें रविंद्र सिंह भाटी और अरविंद सिंह भाटी दोनों साथ में ही पहुँचे थे। और अब एकदम से उनकी इस तरीके से खबर आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो सभी जो उनके चाहने वाले हैं और जो उनके साथी लोग हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर सबके सामने लौटे। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये पोस्ट करी है कि वो जैसे ही स्वस्थ होंगे सभी के बीच में वापस लौटेंगे। और अस्वस्थ होने के कारण कई दिनों तक वो किसी प्रोग्राम में या कहीं भी आ जा नहीं पाएंगे, क्योंकि डेंगू को ठीक होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसलिए उन्होंने खुद अपनी तबीयत के बारे में फेसबुक पर बताया था और अपनी तबीयत की बात साझा करी थी। बाकी न्यूज़ और अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।